नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए छुट्टी घोषित की, हालांकि यह छुट्टी 2 घंटे की होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 18 जनवरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। जांच एजेंसी ने उन्हें चौथी बार समन जारी किया है। क्या पूछताछ में शामिल होंगे केजरीवाल? अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे मेहमानों को न्यू की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी भेंट की जाएगी। मिलेगा देसी घी से बने 100 ग्राम मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, हम सब राम के वंशज हैं और राम हमारे आराध्य हैं। राम के घर से न्योता नहीं आता, बल्कि राम तो बुलाते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के प्रमुख नेता 13 जनवरी को डिजिटल बैठक करेंगे। गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और संयोजक नियुक्त करने को लेकर चर्चा। बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले याद आए अटल जी। एक लेख में कहा, नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अपन रिजेक्टेड नहीं, जनता का मामा मामा करना यही मेरी असली दौलत। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि हर जगह जनता का स्नेह और प्यार मिलता है। बढ़े खाद वस्तुओं के दाम, खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने यानी दिसंबर माह में बढ़कर 4 महीनों के उच्च स्तर 5.69% पर पहुंच गई। केरल में दूरदर्शन के स्टूडियो में सीधे प्रसारण के दौरान शुक्रवार को अचानक बेहोश होकर गिरे कृषि विशेषज्ञ, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पॉलीग्राफ और नार्को जांच शुक्रवार को पूरी की गई। गांधीनगर में फॉरेंसिक प्रयोगशाला में हुई जांच। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।